आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी, तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों एवं बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दयाकर, हे प्रभु दयाकर, हे कृष्ण दयाकर, हे कृष्ण दयाकर, हे प्रभु दयाकर, हे प्रभु दयाकर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दें ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फल स्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु के हृदय होठों में पवित्र वाणी सुनाने की कृपा प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1-6, 13-14, 16-17 और 23-28। मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी जो कुछ लिखने लगी। राजा बेलशसर ने अपने 1,000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1,000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उसके पिता नबुकदनेज़र ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उप पत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था, इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उप पत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपधारा के सामने राजभवन की पुती हुई दीवाल पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाले हाथ देखे, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया।
उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अंतर ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें, फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया, आपने अपने सामान तो अपनी पत्नियों और अपनी उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया, आपने सोने चांदी पीतल लोहे लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं ना सुनते और समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है, इसलिए उसने यह हाथ भेज कर यह लेख लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है, मने मने तकेल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया, तकेल आप तराजू पर तोले गए और आपका वजन कम पाया गया, फरसीन आपके राज्य विभाजित होकर मेदियों और फरीसियों को दे दिया गया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के नक्षत्र प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। वृष्टि और ओस प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पवन प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। अग्नि और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष, अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई का तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे।
तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे भाईर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी भाखा नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपने आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, राजा नबुकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर अपने लोगों के लिए यानी हजार लोगों के लिए एक बोझ दे रहा था और वह बोझ के समय उनके पिता नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर से चोरी करके ले आए सोना और चांदी के पात्र में अंगूरी पीना चाहते थे। वह अंगूरी पी रहा था और सोने चांदी पीतल लोहे और पत्थर से बनाए हुए मूर्तियों का प्रशंसा भी कर रहे थे। यह सब होने के समय वहाँ एक मनुष्य की उंगली दिखाई पड़ी और उनके सामने का दीवार पर कुछ लिख रहे थे। तो बेलशस्सर को जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझ में नहीं आया। दोबारा दानियल को बुलाते हैं। दानियल ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए एक युवा था। उनको बुला के उनसे विनती करते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है। दानियल ने राजा को बता देते हैं कि हे राजा, तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरोध किया है, उनके विरुद्ध पाप किया है। आपके पिताजी जो यरूशलेम मंदिर से जो पात्र को चोरी करके ले आए हैं उसमें तुमने अंगूरी पिया और उसी समय देवताओं के आराधना भी की और इसलिए ईश्वर तुम्हारा राज का अंत करने वाला है। और वहाँ जो लिखा था उनका अर्थ जो लिखा था मने मने थकेल और फरसीन, इसका अर्थ था कि तुम्हारे राज का अंत अंतिम दिनों निकट आ गया है, ईश्वर तुमको राज से निकाल देगा और तुम्हारा राज का अंत होगा। प्रिय भाइयों बहनों, इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि हम जो पाप करते हैं, शायद जो पाप अपने माँ बाप करते हैं, भाई बहन करते हैं, उसमें हम जानबूझ के हम भी भाग लेते हैं तो ज़रूर हमें भी सजा मिलेगा। नबुकदनेस्सर के पाप में उनके बेटा बेलशस्सर भी भाग लेते हैं और ईश्वर उनको सजा देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार में प्रभु बताते हैं कि लोग मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, अत्याचार करेंगे, सभागृहों में बंदी गृह में डाल देंगे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें क्या बोलना है। इन सभी के सामने बोलने का बुद्धि और ज्ञान तुम्हें दिया जाएगा, जैसे दानियल को दिया गया था, क्योंकि दानियल ईश्वर की वाणी सुनते हुए उसके आधार पर अपना जीवन बिताते थे। और यीशु ये बताते हैं, जब लोग तुम्हारे ऊपर हाथ डालेंगे, अत्याचार करेंगे, सभागृहों और बंदी गृहों में ले जाएंगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा कि तुम जो बोल रहे हैं उसका खंडन तुम्हारे कोई भी विरोधी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम प्रभु में भरोसा रखते हुए, उनके दिए हुए रास्ते पे चलते हुए, उनकी वाणी सुनते हुए अपना जीवन बिताएंगे तो प्रभु ज़रूर हमारे साथ रहेंगे,
गलती क्या है, सही क्या है, ज़रूर हमें बता देंगे और सही रास्ते पे चलने की कृपा हमें ज़रूर प्रदान करेंगे। आइए इन कृपाओं के लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहें। लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, कुछ तेरा तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, तन मन मेरा सब कुछ तेरा तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु ये पवित्र धान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है, इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम, पावन अति पावन
प्रभु ईश्वर अति देश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अति देश्वर प्रभु ईश्वर अति देश्वर प्रभु ईश्वर अति देश्वर हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र हैं सारी पवित्रता का स्रोत हैं हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह करो हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर विश्वास का रहस्य हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानि युग तेरा ही है आ
सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु कहते हैं याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है, ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधाले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
चले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,